अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर जिले के महाराजपुर तहसील में विगत दिनों पहले मीडिया के माध्यम से बर्रोही प्राथमिक शाला की अनियमितता एवं मध्यान्ह भोजन समूह लापरवाही की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। उसी तारतम्य में मामले को संज्ञान में लेकर तहसीलदार महाराजपुर सुनील वर्मा ने तहसील महाराजपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम बर्रोही स्थित शासकीय प्राथमिक शाला एवं आंगनवाड़ी केंद्र का महाराजपुर तहसीलदार सुनील वर्मा द्वारा निरीक्षण किया गया। विद्यालय के निरीक्षण में न केवल बच्चों में शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न स्तर का पाया गया, बल्कि प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम पाठक एवं शिक्षिका रश्मि को भी हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के अध्याय 1 एवं 2 के संबंध में आधारभूत जानकारी नहीं पाई गई और न ही बच्चों को अध्यापन कार्य ठीक से कराया जा रहा है। शिक्षक प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम पाठक को कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के प्रथम अध्याय के लेखक कवि राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी के जन्म दिनांक जन्म स्थान तक की जानकारी नहीं थी। शिक्षिका रश्मि से भी कक्षा 4 के हिंदी विषय की द्वितीय अध्याय के सामान्य प्रश्न पूछने पर जानकारी नहीं दे सकी। बच्चों से 19 का पहाड़ा पूछने पर ठीक से पहाड़ा भी याद नहीं था। कक्षा 4 एवं 5 के कुछ बच्चों को तो 3 का पहाड़ा भी याद नहीं था। सभी उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा भी बताया गया कि उक्त विद्यालय के शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, जिसके कारण प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ता है। विद्यालय रिकॉर्ड भी दुरुस्त नहीं मिला, ना ही आवश्यक दस्तावेज मौके पर पाए गए। मध्याह्न भोजन भी मेन्यू अनुसार नहीं दिया जा रहा है। निरीक्षण में यह पाया गया कि दिवस में निर्धारित मेन्यू वेजिटेबल पुलाव था, लेकिन मेन्यू अनुसार भोजन नहीं दिया गया था। बच्चों से पूछताछ में बच्चों द्वारा कुछ अन्य भोजन मिलना एवं भरपेट भोजन ना मिलना बताया गया। मध्याह्न भोजन पंजी में कुछ अन्य भोजन का उल्लेख होना पाया गया, जो कि मिलान में गड़बड़ी स्पष्ट होना पाई गई। इसी प्रकार आंगनवाड़ी केंद्र के निरीक्षण में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित पाई गई। निरीक्षण में आंगनवाड़ी में बच्चे खाना खाते पाए गए, जिसमें मात्र कढ़ी चावल नाम मात्र को दिया गया था। आंगनवाड़ी सहायिका को आंगनवाड़ी में कितने बच्चे दर्ज हैं यह भी जानकारी नहीं थी। आंगनवाड़ी केंद्र में THR बच्चों की उपस्थिति पंजी मेडिकल किट नहीं पाई गई। मध्याह्न भोजन समूह संचालक का नाम महेश मिश्रा बताया गया, जिसके द्वारा मध्याह्न भोजन मेन्यू अनुसार व गुणवत्ता युक्त नहीं दिया जा रहा है। इसके पूर्व विगत दिवस पहले ग्राम सिंहपुर माध्यमिक स्कूल के निरीक्षण में भी महेश मिश्रा द्वारा मध्याह्न भोजन वितरण में लापरवाही सामने आई थी। तहसीलदार महाराजपुर सुनील वर्मा ने पूरे मामले की जांच कर प्रकरण पंजीबद्ध किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर को उचित कार्यवाही एवं FIR दर्ज करने हेतु मांग की है। आज माननीय कलेक्टर महोदय और SDM महोदय के निर्देशानुसार शासकीय प्राथमिक शाला बर्रोही और आंगनबाड़ी केंद्र बर्रोही का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में प्रथम दृष्टया जब निरीक्षण किया गया, वहाँ मध्याह्न भोजन बच्चों को दिया जा रहा था और निरीक्षण में जो मेन्यू अनुसार भोजन है वो नहीं दिया जाना पाया गया। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में निरीक्षण किया गया, बच्चों को प्राइमरी जानकारी नहीं पाई गई और जिस तरह सिलेबस के अनुसार अध्यापन कराया जाना चाहिए था वो सिलेबस के अनुसार नहीं किया जा रहा था और बच्चों में जो है शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न पाया गया, यहाँ तक कि पहाड़े भी नहीं पाए गए और जो सामान्य जानकारी है बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की उसका भी ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि शिक्षकों को भी जानकारी नहीं होना पाई गई। जो सिलेबस है जैसे माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ और उनके जन्म स्थान क्या है, जो कक्षा 5वीं का प्रथम चैप्टर था, इसी प्रकार कक्षा 4वीं का भी मैंने जानकारी ली, वहाँ जो शिक्षक थे पुरुषोत्तम और वहाँ शिक्षिका रश्मि, तो इनके द्वारा अध्यापन बच्चों को सही तरीके से नहीं कराया जा रहा था। इसके अलावा हमने कुछ पंजियाँ जैसे कैशबुक वगैरह CL पंजी और अन्य जो दस्तावेज हैं वो नहीं पाए गए निरीक्षण में। इसके अलावा भोजन पंजी का अवलोकन किया गया, उसमें मेन्यू अनुसार भोजन नहीं दिया जाना पाया गया और बच्चों से भी हमने जैसे पहाड़े हैं पहाड़ों की जानकारी नहीं पाई गई। या हमने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित पाई गई, जो वहाँ दस्तावेज पंजियाँ होना चाहिए वो नहीं पाई गई। सर जैसे बताया जाता है वहाँ आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता थी उनकी आज मीटिंग रखी गई थी ऐसा कुछ? हाँ ऐसा बताया गया है, लेकिन चूँकि जब मेरी CDPO से बात हुई फ़ोन पर तो CDPO उस समय छतरपुर में थी तो जा रही है क्या वास्तविकता है। इसके अलावा जो मध्याह्न भोजन चूँकि वहाँ गुणवत्ताहीन और मेन्यू अनुसार नहीं दिया जा रहा है, उसके संबंध में जो वहाँ समूह संचालक बताया गया कि महेश मिश्रा है और हम ये सारी चीज़ें जांच करके कार्रवाई प्रस्तावित वरिष्ठ कार्यालय में कर रहे हैं।